कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में यूएसडीए की रिपोर्ट के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे यूएसडीए की रिपोर्ट में किस तरह का फैसला लिया गया है, क्या रिपोर्ट आई है। तो विस्तार से आपको कुछ इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जानेंगे क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किन किन चीजों में बदलाव आया है, पूरी रिपोर्ट के बारे में विस्तार जानेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत के कॉटन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वॉल्यूम एक बराबर रहने वाला है, और साथ ही यूएसडीए की अर्जेंटीना की सोया फसल को ट्रेड के अनुमान के अनुसार मिलाते हुए 270 लाख टन कर दिया गया है। तो भी अर्जेंटीना का सोया एक्सपोर्ट पिछले साल से 5.50 लाख टन बढ़ चुका है और 34 से 35 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही भारत में चालू सीजन में सोया तेल इंपोर्ट पिछले साल से 10 लाख टन घट गया है और ये इस साल 31,50,000 टन रह जाएगा। इंपोर्ट घटने की वजह से ही बाजारों में आपको असर देखने को मिलेगा। भारत में सोया तेल इंपोर्ट अगर 10 लाख घटेगा तो पाम तेल इंपोर्ट में उतनी ही बढ़ोतरी बाजारों में देखी जाएगी। और साथ ही यूएसडीए की रिपोर्ट का सीबोर्ड फंड पर ही सीमित असर देखा जा रहा है। सोयाबीन वायदा $3.70 और मील $8 और तेल $9 तेज हुआ है, और सोया तेल के पेट्रो बैंक में भी 1.60 से लेकर 2% तक की तेजी के साथ कारोबार मार्केट में देखा गया है। और सनफ्लावर सोया तेल से बराबरी पर देखा जा रहा है, और साथ ही कांडला में सनफ्लावर रिफाइंड सोया तेल से 4 रुपए ऊपर देखा जा रहा है। यानी सनफ्लावर की जो कीमतें हैं इसमें आप बढ़ोतरी देखकर चल सकते हैं। सभी विदेशी तेल फॉरवर्ड में स्पॉट से बड़े डिस्काउंट के ऑफर कर रहे हैं, और इंदौर रिफाइंड कांडला से ऊपर फिलहाल के लिए बना हुआ है। कल के दिन अमेरिका में डॉलर में और भी नरमी दर्ज करी गई, और अर्जेंटीना की फसल में कमी का अनुमान पहले से ही था, इस कारण सीबोट में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी गई है। तो यूएसडीए की रिपोर्ट का अगर असर देखते हैं तो बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। प्रोडक्शन जो है वो सोया तेल का काफी कम है, उत्पादन काफी कम है, और साथ ही सोयाबीन की फसल को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा है। बीते दिनों में कई जगह बारिश होने की वजह से फसलों को काफी नुकसान है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी भूकंप और सूखा पड़ने की वजह से सोयाबीन की फसल को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी दर्ज करी गई है। और साथ ही सनफ्लावर ऑयल को देखते हुए मांग में और कीमतों में दबाव पड़ने के असर की वजह से सोयाबीन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं है। बाकी खाद्य तेलों में बाजारों में हल्की फुल्की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन खासतौर से सोयाबीन के दाम में बाजारों में आपको एक इसी सीमित दायरे पर कारोबार देखने को मिलेगा, बाजार बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और खाद्य तेल बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।